जैसे अर प्रत्याहार में हमने बता दिया आ ई ऊ आ ई ऊ, तो आ के सवर्णी कितने होते हैं? 18 है ना। तो वो सवर्णी का जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं सवर्ण ग्राहक शुद्ध, सवर्ण ग्राहक सूत्रम। तो सवर्ण ग्राहक सूत्र है अरोहित सवर्णस्य च प्रत्ययः। इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। अण उद्दित सवर्णस्य च अप्रत्ययः अप्रत्ययः। एक पद, द्विपद, तीन पद, चार पद, पांच पद। इसमें प्रथमा विभक्ति के कौन कौन रूप है? अण, एक, प्रथमा विभक्ति एक में उदित अप्रत्यय, उदित दूसरा, अण उदित तीन और अप्रत्यय अप्रत्यय तीन हो गया ना। कितने हैं? प्रथमा विभक्ति के एक वचन के तीन पद। और ये जो चा है ये अव्यय पद, अव्यय पद है समुच्चय बोधक की। और सवर्णस्य षष्ठी एक वचन का है ना। तो इसका अन्वय कर दें, ये आण का अप्रत्यय विशेषण है। अप्रत्यय विशेषण है किसका? अण, अर्थात अप्रत्यय अण, अप्रत्यय अण। और चाय यहां आ गया, और उदित, उदित कौन कौन होगा? अप्रत्यय और उदित सवर्ण का ग्रहण कराते हैं। सवर्ण से माने सवर्ण का बोध कराते। थोड़ी ये नए ढंग से बता रहे हैं। अप्रत्यय, अप्रत्यय ये अण का विशेषण हो गया। तो अप्रत्यय अण, अप्रत्यय अण और उदित ये दो हो गए ना। ये सवर्ण का बोध कराते हैं। तो अप्रत्यय का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रत्यय नहीं। अब आप सुनो, प्रतीयते, प्रतीयते, अच्छा प्रतीयते, इति प्रत्ययः, इति प्रत्ययः। प्रतीयते का अर्थ है विधीयते जी। प्रतीयते का अर्थ क्या है? विधीयते, अर्थात जिनका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जिससे किसी को जाना जाता है उसको कहते हैं प्रत्यय। जिससे तो प्रतीयते का मतलब है विधीयते, विधीयते, प्रतीयते माने विधीयते। इसका नाम हुआ प्रत्यय। और जिसका विधान नहीं किया गया, जिसका विधान न प्रत्यय इति अप्रत्यय, न प्रत्यय इति अप्रत्यय, अप्रत्यय ये न तत्पुरुष समास है। न प्रत्यय इति अप्रत्यय, न प्रत्यय इति अप्रत्यय, अप्रत्यय अप्रत्यय, अर्थात जिसका विधान नहीं किया गया, जिसका विधान नहीं किया गया, ऐसा जो अण जिसका विधान नहीं किया गया, ऐसा जो अण। और ये उदित अलग है, अप्रत्यय केवल अण के लिए है, और उदित ये सवर्ण का बोध कराते हैं।
तो एक बात यहाँ लिखी हुई है कि अत्रैवाण परेण णकारेण, मतलब ण दो जगह, एक तो अयुण में है और एक लण में है, तो पर वाला है लणकारणा। इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार बताया गया वो केवल पर माने लण के ण तक। इस अण प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे? अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ह य व र ल, इतने अक्षर आएंगे। समझ गए? नौ पांच कितने हैं? गिनो इनको, चौदह वर्ण आएंगे इसमें, है ना। तो ये हो गया अण। इस प्रत्याहार का क्या नाम है? अण प्रत्याहार। और उदित माने होता है कुचू, अर्थात का वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और ब वर्ग, ये उदित है। इनका नाम है उदित, क वर्ग, इनका यह है कु चु टू टू टू, ये उदित है। ये क्या हो गए? उदित। तो ये जो अविधीयमान अण और उदित, ये अपने सवर्णी का बोध कराते हैं। जैसे हम पहले ले लिए आ को, तो आ के सवर्णी है 18 जी, आगे कितने हैं? 18 आ के 18, ये हम विधिवत पहले बता चुके हैं। ई के कितने हैं? 18। ऊ के 18, वी के 18 और री के 12, ए के 12, ओ के 12, औ के 12, हा का कोई भेद नहीं है, और या व ला इनके दो दो भेद है। अनुनासिका अनुनासिक भेदेन या व ला द्विधा, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से या व और ला दो भेद हैं, ये दो हो गए। तो ये री के हो गए 18, री के 18 और लुई के 18 प्लस 12 बराबर 20 हो गए। लुई के कितने वेद हैं? 12 और लुई के 18, इसलिए ऋकारस त्रिंशता संगेत युक्तम ऐसा पढ़ाया जाता है। लुई के कितने हो गए? 18, री के 18 और री के 12, ये कैसे हम जाने? तो ये किसी सूत्र से इनकी सवर्ण संज्ञा संभव नहीं है, क्योंकि उच्चारण स्थान अलग अलग है। री का है री टू रषाढ़, री टू माने टाठा डाढ़ण, राय और शा, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, और री का है ऋतु लसाना दंताः, है ना। तो इनका उच्चारण स्थान अलग हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न तो एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों स्वर संज्ञक हैं, री और री, और विपरीत प्रयत्न होता है दोनों का, किंतु उच्चारण स्थान अलग अलग है। किसका किसका? री का और री का उच्चारण स्थान अलग अलग है, और सवर्ण संज्ञा उन्हीं की होती है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान भी समान हो और आभ्यंतर हो। तो री री वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी, इसलिए वहाँ एक वार्तिक लिखा गया रिल री वर्ण लिखा, सावर्ण्यम
रि और रि की आपस में सवर्ण संज्ञा, रि और रि की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, है ना। किसकी किसकी? रि और रि की। ये क्या है? ये वार्तिक, वार्तिक है ना, जहां सूत्रों के द्वारा कार्य संभव नहीं होता है वहां पर वार्तिक बनाए जाते हैं या बनाया गया वार्तिक कार है। महर्षि कात्यायन वार्तिक रचना किनकी है? महर्षि कात्यायन की। तो ये ऋलृ वर्ण और यथा सावर्ण्यम वाच्यम से रि और रि की आपस में सवर्ण संज्ञा हो गई, इसलिए रि के 18 और रि के 12 ये तो रि के कितने भेद हो गए? 30 है ना। आ ई ऊ के केवल 18 भेद, आ ई ऊ की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इन जितने भी नव अक्षर है ना अच प्रत्याहार में, इनका अभ्यंतर प्रयत्न तो एक ही होता है विपरीत। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत। विपरीत किंतु उच्चारण स्थान अलग अलग, अलग अलग। ए का और आई का, ओ और औ का, इनका उच्चारण स्थान एक है, किंतु वहां लिखा हुआ है ए दैतोश्च मिथः न सावर्ण्यम् तेन ऐचस् एचस् चतुर्विंशते संज्ञा स्युः इति न पादनीयम्। एत और आई माने ए और आई का उच्चारण स्थान एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी विपरीत है, तो इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, किंतु इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है तो ए के कहने से ए के 12 और आई के 12 तो मिला के कितने हो गए? 24। तो ये 24 की आशंका नहीं करनी चाहिए, तो ये अलग अलग रहेंगे, इसलिए ए के 12, ओ के 12, आई के 12 और औ के भी 12। और यह व ला ये अनुनासिक और अननुनासिक, यह अनुनासिक भी होता है और वह भी अनुनासिक होता है, ला भी अनुनासिक होता है और अनुनासिक नहीं भी होते हैं। इस तरह से व्यंजन वर्णों में 3 वर्ण ऐसे हैं जो आपस जिनके 2 भेद बताए गए, क्या? अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से या व ला द्विधा, द्विधा माने द्विप प्रकार का मित्यर्थ, 2 प्रकार के हैं। या वाला कितने तरह के हैं? 2 कौन कौन? यही ना 3 3 वर्णों के 2 भेद होते हैं, समझ गए। और शेष को बता दिए, अब ये भी बात बता दिए कि अप्रत्यय का अर्थ है अविधीयमान। अप्रत्यय का अर्थ क्या है? अविधीयमान। अविधीयमान मतलब जिसका विधान नहीं किया गया हो, जैसे शिवादिभ्यो आण सूत्र है, शिवादिभ्यो तो आण प्रत्याहार में वहां आ का विधान किया गया ना, किसका विधान किया गया? आ का। तो थोड़ा ध्यान देके समझो इसको, तो वहां आ का जब विधान कर दिया गया तो आ के 18 का ग्रहण नहीं होगा, समझ गए, एक का ही वहां ग्रहण होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो विधीयमान है शिवादिभ्यो अण सूत्र से, जो अण प्रत्यय का विधान किया गया तो वहां आ बचेगा। अण में क्या बचेगा? अण प्रत्यय में णाकी होती है अलंत्यम से इत संज्ञा, तो बचेगा आ, और वो आ विधीयमान हो गया। क्या होगा? इसलिए उसके 18 का ग्रहण नहीं होगा, किसका होगा? केवल ह्रस्व आ का ही ग्रहण होगा, दीर्घ का और उसके अतिरिक्त उदात्त आदि का ग्रहण वहां नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, केवल आ का। और जहां पर ये आ का विधान नहीं किया गया है उसको कहेंगे अविधीयमान। ये बात थोड़ा
बहुत ध्यान दे के समझने वाली है कि अप्रत्यय का अर्थ है अविधीयमान, अविधीयमान माने जिसका विधान नहीं किया गया उसको क्या करेंगे, अविधीयमान, अविधीयमान जो अण, यहां अण प्रत्याहार के 14 वर्ण है। अण प्रत्याहार दो बनता है, एक बनता है अयुण के ऋणाकर, उसमें केवल तीन आते हैं, है ना, इसमें 14 केवल लण के ऋणाकर अण प्रत्याहार इसी सूत्र में है। और कहें जैसे अणो प्रगृह्य स्यानुनासिका, है ना, वहां अण का ग्रहण पहले के ऋणाकर ही लिया जाएगा, है ना। अण प्रत्याहार केवल अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, वार्ता करनी है, केवल अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र में ही लड़के नातक लिया जाता है। और इसका मतलब कि जहां भी अण प्रत्याहार लिया जाएगा इस सूत्र के अलावा वो सब पूर्व नातक ही लिया जाएगा। तो ये अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या हुई। और ये अत्यंत ये सवर्ण ग्राहक सूत्र है, इसको हम बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किए। एक सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है, क्या सवर्ण संज्ञा, और ये कौन सूत्र है, सवर्ण ग्राहक। इन दोनों सूत्रों का थोड़ा अंतर समझ लीजिए। जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है वो सवर्ण संज्ञा करता है, वो क्या करता है, सवर्ण संज्ञा। और ये सभी सवर्णियों का ग्रहण कराता है, ये सवर्ण ग्राहक सूत्र है और वो सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है।